जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिनोलॉजी 1998 पर। दोस्तों, आप सभी के लिए जल विभाग में वैकेंसी आई हुई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जल विभाग भर्ती 2020। जी हाँ दोस्तों, जल विभाग की ओर से आपके लिए वैकेंसी आई हुई है, जिसकी अंतिम तिथि 30 दिसंबर है और महिला पुरुष दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको सही समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर ले चलता हूँ। यह रहा दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। तो दोस्तों, आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसकी ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 16/11/2020 को रहेगी और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 31/12/2020 को रहेगी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर इन लेवल 7 और रेस है 44,900 से 142,400 पे मैट्रिक्स करके। दोस्तों, इसका मैं हिंदी में भी आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। ये रहा दोस्तों हिंदी में, ऊपर आपको दिख रहा होगा, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार। जी हाँ दोस्तों, इस वैकेंसी को जल विकास अभिकरण के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया गया है। विज्ञापन नंबर भी दिया है दोस्तों, और आप देखिए, आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 16/11/2020 और आवेदन करने की अंतिम तिथि 31/12/2020। सहायक अभियंता लेवल 7 में वेतन मैट्रिक्स रुपये 44,900 से 142,400 के पद पर भर्ती। आपको बता दूं दोस्तों कि ये फेक वैकेंसी नहीं है, बिल्कुल रियल है। आपको ये नोटिफिकेशन मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक PDF दे दूंगा, आप वहां से इसको देख लेना। तो चलिए दोस्तों, इसकी आगे की और जानकारी मैं आपको देता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी रिक्वायरमेंट एंटिटी अप्लाई ऑनलाइन करके। पोस्ट नेम आपको पता है दोस्तों, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी रिक्वायरमेंट 2020 अप्लाई ऑनलाइन करके। नीचे आपसे और बात करूँ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के दोस्तों, तो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी और पब्लिश टॉप जॉब नोटिफिकेशन फॉर द रिक्वायरमेंट वारियस पोस्ट 2020 कैंडिडेट थोस आर इंटरेस्ट और अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, ये वैकेंसी ऑनलाइन निकली हुई है, आप ऑनलाइन जाके पता कर सकते हो। अब मैं बात करूँ दोस्तों वैकेंसी पोस्ट की, इसमें पोस्ट नेम AE के लिए वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। वैकेंसी डिटेल, वैकेंसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करूँ, मैंने जैसे आपको बताया था दोस्तों कि स्टार्टिंग डेट 16 नवंबर 2020 रहेगी और लास्ट डेट 31 दिसंबर 2020 को रहेगी। एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो कैंडिडेट एज लिमिट शुल्ड भी मैक्सिमम 27 ईयर तक के इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट। और दोस्तों, इसमें ST और OBC के एज का क्राइटेरिया भी, इसमें कुछ छूट मिली गई है दोस्तों। OBC के लिए, ST/SC के लिए 3 ईयर का और OBC के लिए 5 ईयर की छूट दी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो दोस्तों, इसमें एप्लीकेशन फ़ीस का भी कोई डिसीजन नहीं लिया गया, इसलिए अभी इसकी एप्लीकेशन फ़ीस फ्री है दोस्तों, आपको कोई इसकी फ़ीस नहीं देना होगा। अब मैं बात करूँ दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, इसको ऑर्गेनाइज़ किया है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ने। और वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था कि ऑल ओवर इंडिया के लिए इसको आप किसी भी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों सैलरी की, तो इसमें सैलरी रहेगी दोस्तों 44,900 से 142,400 तक इसकी सैलरी रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट शुल है पास्ड मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट 10th और 12th पास होना बहुत ज़रूरी है और डिग्री एंड इंक्वायरलेंट्स फ्रॉम रिकोगनाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी इंट्रोडक्शन। तो इसमें डिग्री का भी होना बहुत ज़रूरी है, वो भी इंजीनियरिंग डिग्री का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं दोस्तों, हाउ टू अप्लाई नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी रिक्वायरमेंट 2020 अप्लाई ऑनलाइन। ऑनलाइन आपको इसको अप्लाई करना है दोस्तों, आप वहाँ देखना NWDA डिपार्टमेंट करके वहाँ लिखाना होगा, वहाँ से आप इसको फ्लिप कर सकते हो। अब इसका मैं दोस्तों रिक्वायरमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करूं तो आपको एक कैंडिडेट का फोटोग्राफ लगेगा और कैंडिडेट सिग्नेचर फ़ोटो वो लगेगी दोस्तों, इसको आप अप्लाई करेंगे तब। अब मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं दोस्तों, इसमें पहले रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिर आगे उसकी प्रोसेस होगी। सबसे पहले मुझे लगता है दोस्तों रिटर्न एग्ज़ाम होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो,
तो प्लीज़ दोस्तों, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि दोस्तों मेरी वीडियो आपको सही समय पर मिलती रहे। दोस्तों मैं इसका नोटिफिकेशन की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और इसकी PDF भी आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा।